नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर चोर किस तरह से हमसे ठगी कर रहे हैं पेटीएम अगर हम यूज करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, पिछले 2 महीने से पेटीएम को लेकर के काफी ज्यादा चिंताएं लोगों की बढ़ गई हैं, खास करके उनके लिए जो दुकानदार हैं, जो लोग पेमेंट रिसीव करते हैं और खास करके वो लोग जो QR कोड से अपने पेमेंट को करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे QR कोड क्या होता है, पहले आप लोग इसको समझिए, फिर आप लोग समझ पाएंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ। QR कोड होता है दोस्तों जिसको एक रीडर ही केवल पढ़ सकता है, जैसे कि आप लोगों का स्कैनर होता है तो वो हम लोग नहीं पढ़ सकते कि QR कोड में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। उस QR कोड को केवल एक स्कैनर ही पढ़ सकता है, कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। तो उस QR कोड में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे लिखना है मेरा नाम कि मैं रवि हूँ, मेरी अकाउंट डिटेल ये है, मेरा पेटीएम डिटेल ये है, मैं इतना पेमेंट रिसीव करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं QR कोड में लिख करके एक छोटा सा इतना बड़ा QR कोड बना करके आप लोगों तक सेंड कर सकता हूँ। अगर आप लोग वो QR कोड स्कैन करेंगे तो ये सारी डिटेल जो मैंने आप लोगों को दी हुई है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अब ये QR कोड में मैं ये भी फीड कर सकता हूं कि जो डिटेल मैंने भरी है वो किस ऑप्शन में खुले, जैसे कि मैंने ये चीज़ें टेक्स्ट में लिखी हैं तो मैं ये टेक्स्ट ऑप्शन सेव कर सकता हूं कि अगर कोई स्कैन करे तो उसको टेक्स्ट में ये चीज़ें दिखे। अब उसी तरह से दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पेमेंट रिसीव करने के लिए मांगूंगा तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जाएंगे एक्सेप्ट एंड पे में, ठीक है। तो एक्सेप्ट एंड पे में जाएंगे तो जो मेरा QR कोड होगा तो मैं वहां पे उसको सेट करके रखूंगा कि वो मुझे पेमेंट रिसीव करके मिले, और मैं वहां पे ऐसा भी टैक्स डाल सकता हूं कि पेमेंट यानी कि आप लोगों तक आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो पे कर रहा है उसको दिखेगा कि पेमेंट हमारे यहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन मैंने क्या भेजा है आप लोगों तक कि मुझे पेमेंट आए, यानी कि मुझे रिसीव हो, यानी कि जो चोरी करना चाह रहा है आप लोगों से, जिसने QR कोड भेजा है आप लोगों का, उसको रिसीव हो, ठीक है। तो QR कोड आप लोग ये मत समझिए कि केवल आप लोगों का पेटीएम ही जनरेट कर सकता है, फोन पे ही जनरेट कर सकता है, आप लोगों का गूगल पे ही जनरेट कर सकता है, ये जनरेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि QR कोड कोई भी क्रिएट कर सकता है। अब दूसरी चीज दोस्तों कि किस तरह से चोरियां हो रही हैं और किस तरह से हम लोग इससे सिक्योर रह सकते हैं, पहले हम लोग कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं जो कि चोरियां हुई हुई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कई सारी न्यूज़ इससे पढ़ा जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, जो आप लोगों को भी देखना चाहिए कि एक बंदे ने OLX पे अपना एक अलमारी सेल करने के लिए डाला। अब वो अलमारी के लिए सामने वाले के चोर ने देखा कि मुझे ये अलमारी से अब इनको बेवकूफ बनाना है, ठीक है। तो उन्होंने, जो चोर है जिसने अलमारी लिस्ट की थी OLX पे, उसने उनको कहा कि मुझे ये अलमारी चाहिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपको एडवांस पेमेंट करता हूँ। तो उसने QR कोड में पेमेंट डिटेल डाली, ठीक है। अब पेमेंट डिटेल में क्या था दोस्तों कि उसने 8,000 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये, 24,000 रुपये उसने एक्सेप्ट अपने लिए, मतलब उस QR कोड में था, ठीक है। पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए उसने 24,000 डाले। अब सामने वाले को उन्होंने ये बोल करके भेजा, जो चोर था उसने ये बोल करके भेजा कि मैं आपको एडवांस में पैसे दे रहा हूँ, ये अलमारी मुझे ही चाहिए। तो अब किसी को भी भैया पेमेंट अगर पहले मिल जाए तो फिर वो एक्सेप्ट करता ही है। तो उन्होंने जैसे ही किया वैसे ही उनके अकाउंट से 24,000 रुपीज गायब हो गए। तो इस तरह से दोस्तों अब वो गायब हो गया, अब वो पेमेंट रिसीव हो गया बंदे को, तो अब वो कहीं भी शिकायत कर ले, अब जब वो पकड़ा जाएगा तभी वहां से कुछ पेमेंट रिसीव हो सकता है, वापस आ सकता है पैसा, ठीक है। अगर ये क्लेरिफाई हुआ कि हाँ यही बंदा चोर था तभी वो पेमेंट उसको रिसीव हो सकता है, तो ऐसी नौबत हम क्यों आने दें। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग कोई भी QR कोड जो आप लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा है या फिर एक्सेप्ट करने के लिए भी कह रहा है, तो आप लोग QR कोड से कभी भी पेमेंट ना करें, ठीक है। अगर आप लोगों का QR कोड से पेमेंट आ रहा है तो आप लोग उन्हीं को पेमेंट्स करें, जैसे कि आप लोग दुकानों पेमेंट करते हैं तो उनके QR कोड क्या होते हैं कि आप लोगों के पेमेंट बताते हैं कि इतना पेमेंट आप लोगों से कटने वाला है, आप लोगों से वेरिफिकेशन के लिए पूछता है। कोई भी जनरेशन जिससे अननोन पर्सन है उससे आप लोग कभी भी QR कोड ना ले, जिसका भी QR कोड आप लोग पेमेंट कर रहे हैं उसके सामने करें, उसको दिखा करके करें। अगर किसी को भी पेमेंट चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट कहिए कि आप मेरे डायरेक्ट पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करो, मुझे QR कोड से स्कैन करके नहीं करना है, ठीक है। या फिर आप लोग UPI से डायरेक्ट अपने अकाउंट में मंगवा लो। तो आप लोग QR कोड के पंचड़ में मत फंसना। अगर आप लोगों को कोई QR कोड पे ज्यादा फोर्स करके कह रहा है कि भैया QR कोड से ही मैं पेमेंट करूंगा, तो आप लोग उससे दूर भाग जाओ। अब दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज जो लोग पेमेंट रिसीव करते हैं, तो ऑनलाइन ऐसी कई सारी साइटें हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोगों तक पेमेंट रिसीव होता है कि आप लोगों के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, तो आप लोगों तक मैसेज आता है
कि इतना आपके पेटीएम वॉलेट में पैसा क्रेडिट हो गया और वहां पे कुछ पेटीएम का नंबर लिखा होता है ऊपर कि इस नाम से आया हुआ है, ठीक है। पेमेंट पेटीएम का जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह से आप लोगों के टैक्स मैसेज आता है और आप लोग बैलेंस चेक नहीं करते। जैसे कि अगर आप लोग दुकान वाले हैं तो आप लोग को कोई क्यूआर कोड आप लोगों ने लगा रखा है पेटीएम का, तो पेटीएम का क्यूआर कोड है स्कैन हुआ, आप लोगों की यूपीआई आईडी आ गई या फिर आप लोगों का पेटीएम नंबर आ गया। अब आप लोगों को जितना भी अमाउंट चाहिए आप लोग उनसे बोलते हैं कि इतना अमाउंट सेंड करो, ठीक है, तो वो उतना अमाउंट भर करके आप लोगों को सेंड कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों पर एक मैसेज आता है कि आपने पेमेंट रिसीव कर लिया पेटीएम की तरफ से। अब यही लोग क्या करते हैं दोस्तों, चोर क्या करते हैं कि आप लोगों को पेमेंट भेजने के लिए ऐसे कई सारे मामले निकल करके आए हैं, आप लोगों तक वीडियो भी इसकी पहुंची होगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जाते हैं ऐसी साइटों पे जो आप लोगों की किसी भी नाम से, वो अननोन नाम से, वहां पे आप लोगों का नंबर भी शो नहीं होगा, ठीक है। वहां पे आप लोग पेटीएम लिख करके भेज सकते हैं पेटीएम के नाम से और इतना मैसेज भेज सकते हैं जैसे कि मुझे 2000 की पेमेंट करना है सामने वाले को, तो यू हैव रिसीव 2000 रुपीज, ठीक है, योर अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें वो बना करके भेज सकता है। और वहां पे हमारे पास मैसेज आ गया तो हम समझेंगे कि भैया कि हमारा तो पेमेंट रिसीव हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं आया, केवल एक फेक मैसेज आया है फेक जगह से फेक नेम क्रिएट करके, ठीक है। तो आप लोगों के पास कभी भी कोई भी पेमेंट करे, खास करके दुकानदारों की बात कर रहा हूं या फिर अगर आप भी रिसीव करते हैं, सामने आपके बंदा है आप लोगों को पेमेंट कर रहा है, तो आप लोग तुरंत अपने पेटीएम वॉलेट को खोल करके देखे कि आप लोगों का पहले बैलेंस क्या था और पेमेंट रिसीव करने के बाद बैलेंस क्या हुआ है। और जब तक आप लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ता है तब तक आप लोग आगे की प्रोसीजर उसके साथ मत करें, ना ही उसको सामने वाले को जाने दें। अब दोस्तों नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट है जो कि इस समय काफी ज्यादा इस चीज को यूज किया जा रहा है, आप लोगों की केवाईसी, पेटीएम केवाईसी को लेकर के आप लोगों के पेटीएम से काफी ज्यादा पैसे निकाले जा रहे हैं। और ये काम कैसे करता है पहले आप लोग इसको समझिए। पेटीएम केवाईसी के नाम पे आप लोगों तक कॉल किए जा रहे हैं, आप लोगों के पास कॉल किए जा रहे हैं, चाहे आप लोगों का पेटीएम अकाउंट हो या ना हो, आप लोगों के पास अननोन नंबर कहीं से भी ये लोग नंबर पा जाते हैं, खास करके ये वहां से नंबर पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइटों पर शॉपिंग करी है, ठीक है, तो क्या होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइटों के पास जो डिलीवरी बॉय होते हैं ये लोग उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, या फिर ऐसी कोई भी डिलीवरी कंपनी है उससे कुछ पैसे दे करके नंबर निकाल लेते हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा अगर आप लोग डिलीवरी बॉय हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये रियलिटी है, सब नहीं करते ऐसा, लेकिन कुछ आप लोगों में हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और दोस्तों अब ये आप लोगों तक लिंक सेंड करते हैं, लिंक आप लोगों को टेक्स्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं या फिर जो भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट ऑप्शन हो वो लिंक सेंड करते हैं। लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं इनका एक छोटा सा वायरस जो कि 2 से 3 KB का होता है, ठीक है, 1 MB का भी वो वायरस नहीं होता है, और वो आप लोगों के सिस्टम में, आप लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन में, आप लोगों के iOS में घुस जाता है और आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन को ऑन कर देता है जो जो उसे चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक वायरस है और उनके द्वारा ये खुद डेवलप किया जा रहा है और ये आप लोगों का किसी से भी अप्रूव्ड नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों से कोई परमिशन मांगता है, कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से तो आप लोगों से वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन मांगता है परमिशन की, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों से किसी भी तरह की परमिशन नहीं मांगेगा, ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का क्लिक करते ही इंस्टॉल हो जाएगा और आप लोगों की सारी डिटेल ये अब जिसने भी आप लोगों को भेजा है वो अपनी कंप्यूटर में बैठ करके उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब एक्सेस करने के बाद दोस्तों अब जो आप लोग जाएंगे लिंक पे जो इनका फेक वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, जो फेक आप लोगों का फॉर्म क्रिएट किया गया है इनकी तरफ से, इसमें आप लोग अपनी पेटीएम डिटेल यानी कि जो भी पेटीएम से रिलेटेड नंबर है, अपना यूपीआई आईडी, जो भी आप लोगों ने पेटीएम से या फिर फ़ोनपे से या फिर जो भी आप लोग वॉलेट यूज़ करते हैं उससे आप लोगों ने जो भी आईडी या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी है वो सब कुछ आप लोगों से वो मांगते हैं और वहाँ पे आप लोगों का डिटेल चुरा लेते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनका काम हो जाता है और जो वायरस डाला है उन्होंने आप लोगों के फ़ोन में उससे आप लोगों का जो भी OTP आती है वो अपने आप देख लेते हैं और वो अपना फिल करके सारा काम अपना कर लेते हैं, आप लोगों का सारा कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से दोस्तों आप लोगों के जो भी मीडिया फाइल है उनको भी वो एक्सेस कर सकते हैं और उसको वो डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे, ठीक है।
तो इस तरह से, और इतना गंभीर मामला है ये दोस्तों। तो आप लोगों को कभी भी पेटीएम केवाईसी अगर कोई आप लोगों को फोन पे करने के लिए बोले, या फिर कोई भी लिंक भेजे आप लोगों तक और कहे कि इस पे क्लिक करके आप जा करके इंस्टॉल कीजिए, तो आप लोग उन चीजों से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, उस नंबर को स्पैम में रिपोर्ट कीजिएगा अपने अकाउंट में, जिससे कि और भी किसी तक कॉल पहुंचे तो वो समझ सके कि ये स्पैम नंबर है, इससे हमें दूर रहना है, इससे बच करके रहना है। तो ये कुछ टिप्स है दोस्तों जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है अपने पेटीएम से बैंकिंग करते समय, या फिर पेटीएम से अपना पैसा रिसीव करते समय, या फिर सेंड करते समय। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, खास करके यूपीआई अगर आप लोग यूज करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी यहां से मिली होगी, तो दूसरों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करके उनको भी सिक्योर कीजिए, उनको भी अपडेट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह की वीडियोज आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।